Friends, welcome to my YouTube channel Rohan Online Solution, and also visit my first wall Gyan Ka Pitara. Friends, आज मैं अपने लेकर आया हूँ 9th class number system extra question. Find the value of 4 upon 216 power minus 2 by 3 plus 1 upon 256 power minus 3 by 4 plus 2 upon 243 power minus 1 by 5. इसको आपको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालना है, क्या आने वाली है. दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ यहाँ पर अपन क्या यूज करने वाले हैं. यहाँ अपन यूज करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. आपको पता है a पावर माइनस n अगर आपके पास होता है तो ये हो जाता है 1 अपॉन a पावर n. अगर a की पावर माइनस n है तो बन जाता है 1 अपॉन a की पावर n. तो अपन शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन. यहाँ पर यूज करने वाले हैं अपन a, ये a है और ये n है. तो अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो अपना क्वेश्चन है 4 अपॉन 216 पावर माइनस 2 बाय 3 प्लस 1 अपॉन 256 पावर माइनस 3 बाय 4 प्लस 2 अपॉन 243 पावर माइनस 1 बाय 5. तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर है a पावर माइनस n जो बन जाता है 1 अपॉन a पावर n. दैट मींस a है 216 यहां पर और n है माइनस 2 बाय 3. तो ये बन जाएगा 1 अपॉन a पावर n, मतलब ये जो 4 है वो एज इट इज रहेगा 4 अपॉन, और ये जो अपॉन में नंबर लिखा है ये बन जाएगा 1 अपॉन n. दैट मींस ये बनेगा 1 अपॉन 216 की पावर 2 बाय 3 प्लस ये जो 1 है अपना एज इट इज, फिर से 1 ही रहेगा 1, और इसके अपॉन में ये जो नंबर है 256 ये वापस से a पावर माइनस n है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 256 पावर माइनस 3 बाय सॉरी प्लस 3 बाय 4 बन जाएगा क्योंकि अपॉन में आ गया है. सेम चीज यहां पर भी होगी प्लस 2 अपॉन ये जो नंबर है 243 माइनस 1 बाय 5 ये बन जाएगा 1 अपॉन 243 पावर 1 बाय 5. फ्रेंड्स, क्योंकि एक a पावर माइनस n होता है 1 अपॉन a पावर n. अब यहां पे अपन आगे बात करते हैं कि क्या आगे क्या होने वाला है. जैसे यहां पर अपन लिखा 4, तो ये 4 अपना एज इट इज यहां पर रहेगा 4 अपॉन ये जो 216 है 1 के अपॉन में. इसको 216 जो होता है वो होता है 6 पावर 3, ये अपन पहले कर चुके हैं 6 पावर 3, और इसकी पावर अपने पास कितनी है 2 बाय 3 प्लस ये जो 1 है एज इट इज रहेगा, और इसके अपॉन में जो नंबर है 256 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 8, बिकॉज 2 पावर 8 होता है 256 2 पावर 8, और इसकी पावर कितनी होगी 3 बाय 4 प्लस ये जो 2 है एज इट इज रहेगा, और इसके अपॉन में जो नंबर आएगा 1 अपॉन 243 जो है इसको तो 243 इसको अपन लिख सकते हैं 3 पावर 5, और इसका पावर कितना है 1 बाय 5. अब फ्रेंड्स, यहां पर एक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा. यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक नंबर है 6 पावर 3 पावर 2 बाय 3, तो इसका एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है अगर अपने पास एक नंबर है a पावर m और इसकी पावर अगर अपने पास n है a पावर m और इसकी पावर अगर n होती है तो ये बन जाता है a पावर m इंटू n. a की पावर m और उसकी होल पावर अगर n है तो ये बन जाता है a पावर m इंटू n. ये चीज यहां होने वाली है. यहां पर a 6 है, m 3 और n जो 2 बाय 3 है, तो आप देखिए यहां पर क्या होगा, ये आएगा 4 अपॉन और 1 के अपॉन में ये हो जाएगा 6 पावर 3 इंटू 2 बाय 3 प्लस 1 के अपॉन में फिर से 1 अपॉन ये हो जाएगा a पावर m इंटू n, तो ये बन जाएगा 2 पावर 8 इंटू 3 बाय 4 प्लस 2 अपॉन ये 1 के अपॉन में फिर से 3 पावर 5 इंटू 1 बाय 5. तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये जो 3 है ये वाला 3 से कैंसिल हो गया, ये 4 टू जा हो गया 8, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, अपने पास फाइनली बचेगा 4 अपॉन
वन अपॉन में सिक्स पावर बचेगा टू, तो सिक्स पावर टू होता है 36 प्लस ये वन अपॉन टू पावर टू इंटू थ्री मतलब टू पावर सिक्स होता है 64 प्लस ये अपॉन में टू बचा, टू अपॉन में वन अपॉन थ्री पावर वन, तो ये वन अपॉन थ्री बचा। अब फ्रेंड्स आप देख सकते जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो कि ए हो उसके अपॉन में अगर बी बाय सी होता है तो ये जो सी होता है वो हमेशा ए के इंटू में जाता है। अगर ए के होल अपॉन में बी बाय सी है तो ए जो होता है वो सी के इंटू में जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर जो ए है उस ए के होल अपॉन में अगर ऐसा है तो बी और ए के होल अपॉन में बी बाय सी मतलब सी आएगा ए के इंटू में, लेकिन अगर ऐसा होता ए बाय बी और अगर अपॉन में सी होता तो फिर जाता बी और सी इंटू में। अभी अपने पास कंडीशन है ए अपॉन बी बाय सी, तो ये जो सी है ये इंटू में जाएगा ए के, इस प्रकार यहां पर ये हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा इस प्रकार ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 36 इंटू 4 और अपॉन में बचा 1, उसका कोई मीनिंग नहीं होता यहां पर, प्लस 64 इंटू 1 अपॉन में बचेगा 1 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 अपॉन 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो 6 इंटू 4 होता है 24, रिमाइंडर 2 बचा, 4 थ्री 12 और 2 हो जाएगा 14 प्लस 64 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 4 10 प्लस 4 14, 14 का 4 रिमाइंडर 1 बचा, 6 प्लस 4 10 और एक 10 और 1 11, फिर रिमाइंडर 1 बचा 1 प्लस 1 2, तो हो जाएगा 214। ये अपना फाइनल आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियोस ताकि मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।